हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जिसका ट्यूटोरियल देख के आप समझ चुके होंगे। स्पेशल फोटो एडिटिंग 20K फैन हुए उसके ऊपर है विद इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो एडिटिंग। तो चलो हम पिक्सआर्ट के अंदर ये फोटो एडिटिंग शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, सोलोमो ने फास्ट ही फास्ट वीडियो बना के डाल दिए ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो पाए। ठीक है गाइस, ये जो मैं बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ उसका डाउनलोडिंग लिंक नीचे दे दूंगा, तो वहां से आप एक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना। हाय गाइस, तो हमें कुछ इस तरह की फ़ोटो क्लिक करनी है जो देख लो आप बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। और सबसे पहले अपन इसको पिक्सआर्ट में ओपन करेंगे। सबसे पहले अपन टूल्स में जाएंगे, तो उसके बाद अपन रीसाइज में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले अपन 9999 डालेंगे। तो इससे ये होगा कि जो अपनी फुल स्क्रीन होगी फ़ोटो की वो अपन को इधर सेव हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे 2327 इसकी फुल स्क्रीन सेव हो शो हो रही है। तो अपन को यही डालनी है 2327 और उसके बाद में इस पर क्लिक कर देना है। और सबसे पहले अपन इधर जाएंगे फिर कटआउट टूल के अंदर, इससे यहाँ से ब्रश को हार्ड कम ज़्यादा जैसा आपको करना है वैसा कर लें और उसके बाद में यहाँ पे लाइनिंग बनाएंगे। तो गाइज वीडियो बड़ी हुई हो जाएगी तो मैं फास्ट फास्ट कर लेता हूँ। सेट ऐप डाउनलोड करना है, उसको खोलना है और उसके बाद अपनी जो स्क्रीनशॉट है इंस्टाग्राम प्रोफाइल का उसको लेना है इसके अंदर। ये देखिए गाइस, तो सिंपली टूल्स में जाके यहाँ पे प्रिसेटिव पे आके क्लिक करना है और इधर ट्रायंगल पे क्लिक करके हल्का सा इसको इस साइड डेन कर देना है। ओके गाइस, ये कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से क्लिक करके एक्सप्लोर पे जाके सेव कर देना ना। जो बैकग्राउंड है उसको अपन पिक्सआर्ट के अंदर ओपन करेंगे जैसा कि आप देख सकते हो। तो गाइस, जो अपने इंस्टाग्राम का सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट था ना उसको स्नैपशॉट से जो अपन ने ट्रायंगल में थोड़ा सा बेंड किया था, सबसे पहले उसको लाएंगे यहाँ एड पे क्लिक करेंगे। तो गाइस देख सकते हो आप, ये आ गया स्क्रीनशॉट। तो अब यहाँ से इसमें जाएंगे शो वाले ऑप्शन में और गाइस इधर से चौथे नंबर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और फिर देन यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो गाइस आप आराम से कीजिए, मैं वीडियो को थोड़ा काट देता हूँ। फिर रबड़ का निशान उस पर क्लिक करके और जहाँ जहाँ से यहाँ से साइज एडजस्ट कर ले रबड़ की और जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा है ना, जैसे कि नीचे के ये दिख रहे हैं ना इन वीडियो, इनको हटा दें तो इससे अपनी फ़ोटो और भी अच्छी लगेगी। और यहाँ से प्रॉपर ही आराम से ये आराम से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, आप भी आराम से करें और बिल्कुल इसी तरह करें। यहाँ से फिर अपन क्लिक करेंगे, फिर जो अपनी PNG है उसको लेके आएंगे गाइस, जिसको अपन ने पहले कटिंग की थी। ये देख सकते हो अपनी ये PNG आ गई, इसको इस साइड में एडजस्ट करेंगे आराम से, इधर भी आराम से टाइमिंग से करेंगे तो अच्छे से होगा। फिर आपको भी इसी तरह से एडजस्ट करना है फाइनली। और फिर इधर जाएंगे शेडो में, हल्की सी शेडो को कम कर देंगे ताकि यहाँ से रियल वाला लुक आएगा। ये देख सकते हो गाइस, इस तरह रखनी है आपको कुछ। और अब यहाँ से क्लिक कर देंगे और इधर से अपने सेव का ऑप्शन आ जाएगा सेव। हेलो गाइस, तो अब आपको है ना लाइट रूम ओपन करना है, उसके अंदर अपना फ़ोटो ऐड करना है और जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ हूबहू वैसा करना है। मैं बोलूँगा तो शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं बिना बोले आपको दिखा रहा हूँ। तो स्क्रीन पे ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट लेके एडिटिंग कर लें।